साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करा गया। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए आसपास के कॉलेजों के छात्र छात्राएं आए, प्रचार्य लोग आए और यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक के बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं, मॉडलों को सराहाया गया है और उन्होंने वो मॉडल बनाए हैं और साइंस के द्वारा जो हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं उनको भी बताने की कोशिश करी है। ऑन्कोलॉजी बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट है। द थेरेपी विच इज यूज्ड टू ट्रीट द कैंसर नोन एज कीमोथेरेपी। उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। यहाँ पे ये 8 जो कैंसर है मोस्टली प्रोबेबली इन इंडिया है जो सबसे ज़्यादा पर्सन जिससे डाइड हो जिनकी डेथ होती है। जैसे सबसे ज़्यादा मेरे मतलब ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में होता है, सर्विस स्पाइनल कैंसर, ये हमारे सारे मेल्स वगैरह में होता है, सबसे ज़्यादा लोग इसी से मरते हैं इंडिया में। ये लंग्स कैंसर है जो सबसे ज़्यादा कुछ भी उससे होता है ये कैंसर। अगर ज़्यादा स्मोक वगैरह करते हैं तो सब लंग्स वगैरह खराब हो जाते हैं, उससे कैंसर होता है। दीज आर दी लाइट मशीन्स विच आर मोस्ट यूज टू ट्रीट दी कैंसर। अगर ये लाइट मशीन नहीं होती तो हमारे कभी कैंसर ट्रीटमेंट हो नहीं पाता। और ये लाइट मशीन से हमारी बैकबोन है कीमोथेरेपी। ये हमारा एक चीज हमने बनाई है जिसमें बता सकते हैं कि कैंसर कभी जो कि होकर नहीं हो सकता है। ये इंडिकेशन है जो कि होता है जब यूवी रेडिएशन या डीएनए पे हमारी जो पड़ती है डीएनए ऑल्टर हो जाता है और वो कैंसर सेल्स को डेवलप करने से बढ़ जाती है। लास्ट 10 ईयर्स में हमारा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। ये केमिकल फॉर्मूला है मेडिसिन का जो सबसे पहले लोग को कैंसर में दिया जाता है, जब उनका कैंसर पता चलता है उसके बाद में ट्रीटमेंट आगे बढ़ाया जाता है। ये चेंजेस है, ये पर्सनल हाइजीन हमारा चेंज होता है, जब पता चलता है कैंसर है उससे प्रिवेंट कर देते हैं। ये हमारा ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी से, यहाँ पे चेंजेस होते हैं रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से, जिनका नॉर्मल ब्लड सेल बन जाता है। ये हमारा प्रिवेंशन होता है जैसे कि कैंसर के पेशेंट के लिए स्टॉप स्मोकिंग, एक्सरसाइज मोर, ईट हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए, अवॉइड एक्सरसाइज एक्सपोजर, शेड्यूल कैंसर स्क्रीन एग्जाम, हमारे ट्रीटमेंट करना चाहिए। और ये हमारे कॉम्प्लिकेशन जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है बहुत सारी कमी हो जाती है, जैसे बाल झड़ते हैं, बोन डेंसिटी गिर जाती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ये माइंड है सर जो गलत चीज़ें लोग कैसे कैसे हो रहे हैं, जैसे कि शुगर खाने से कैंसर बढ़ेगा, डिओड्रेंट से ब्लड प्रेशर होगा, या फिर जैसे कैंसर एक जगह से दूसरे में पास होगा। ये एक एनिमेशन है जो एक हमने बनाई है और ये सब हमारे साथ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। आजकल हम देखते हैं कि वुमेन्स में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की हमारे चांसेस रहती हैं, तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं कि इटली का मास इकट्ठा हो जाना, साइज में डिफरेंसेस आना, या फिर किसी चीज़ का डिस्चार्ज, लिक्विड का डिस्चार्ज होना, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसके रिस्क क्या क्या होते हैं कि ये मेल्स में कम होते हैं, फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, एज के साथ ये बढ़ जाते हैं और जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। और लाइफ स्टाइल, अगर कोई स्मोक करते हैं या फिर ओवरवेट है या फिर ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस आते हैं। और ये सिमिलरली हमारे पास है ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर में एज 50+ होगी तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे ओवेरियन कैंसर होने के। फीमेल फर्टिलिटी है कि अगर आपके अम्मा को है तो उसके डॉक्टर को भी हो सकता है वो कैंसर। This contains a many parts. The lens is the earliest, the thing that converges the light of the iris controls the dilation and contraction of pupil. For बच्चों के साथ साथ आपका टीम गाइडेंस रहा क्या आपने?
हमारे साथ में रिटेल लैंग्वेज के प्रोफेसर संजीव अग्रवाल, आज यहाँ पे साइंस की एग्जीबिशन लग रही है तो किस आधार पे लगाई गई है और बच्चों को इतना बढ़िया उन्होंने मोटिवेट करके लगवाया है कि लगता है कि हाँ कुछ बच्चे वर्क कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर, तो इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय तो टीचर्स को भी जाता है और स्टूडेंट्स ने भी बहुत मेहनत करी है और ये हमारा एनुअल होता है, इस साल में एक ही बार, तो इसको शोकेस करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और बहुत दिनों से ये एफर्ट चल रहा है टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी। और इस बार आपने देखा होगा फिजिक्स हमारा जो सेक्शन है वो थिंकिंग लैब जो हमने अभी शुरू किया है इस साल से, उसका बहुत ही अच्छा उपयोग किया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। जैसे कि आप सब देखा गया कि अभी यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं और जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं वो बड़े बड़े IIT कॉलेज के लोग बनाते हैं, बहुत मेहनत करके बच्चे आप बहुत मेहनत करिए और हमको अच्छा लगता है क्योंकि हमारे टीचर्स ने इसमें बहुत सहायता की और बहुत इंटरेस्ट लिया है। इनफैक्ट ये थिंकिंग लैब या इनोवेशन लैब जो है इस नॉर्थ इंडिया में सिर्फ दो ही कॉलेज के पास है, एक हमारा है और एक और जगह है, तो इन्होंने बहुत उसका उपयोग करके रोबोट्स ड्रोन्स जो बड़े बड़े मतलब कॉलेजेस में बनाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो लेवल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अरे नहीं, करेगा।